ये बड़ी दुखद है। चूरू के अंदर एक युवक की हत्या या आत्महत्या है, पुलिस की जांच का मामला है। और दहशतगर्दी का ऐसा माहौल, शांति से व्यापार करने वाले व्यापारियों की दुकान तोड़ दें और बार बार आपको कहने पर भी पुलिस समय पर पहुंचे नहीं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पूरे राजस्थान में कानून का राज समाप्त हुआ है, चूरू की पुलिस की कार्यप्रणाली पहले भी आपने देखी है, सरदार सर के मामले में देखी है, जिस पर दलित के साथ इन्होंने अत्याचार किया, दहशतगर्दी के मामले में कस्टोडियन डेड, और अब चूरू में इस तरह की दहशतगर्दी ये बर्दाश्त नहीं होगी। अभी मैंने प्रशासन से बात की है और मैं समझता हूँ कि प्रशासन जब तक जिन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, उनके खिलाफ माकूल कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं देगा, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए लड़ेंगे।